अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इजी नाश्ता या फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ अच्छा देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रेसिपी पर आए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इजी रेसिपी बनने वाली है और ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ये 300 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको इस तरह से धोकर छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। इसमें हमने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर। और यहाँ पर डाल देंगे ये चाट मसाला 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी हल्दी 1 टेबल स्पून डाल देंगे, इसमें लाल मिर्च का पाउडर और 1 बड़े नींबू का रस। तो यहाँ पर इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे ये दही। तो दही लगभग हमने 3 बड़े चम्मच, जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो लिए हैं, और यहाँ पर 1 चम्मच भर कर डाल देंगे ये जो मसाला होता है तंदूरी मसाला, वो डाल देंगे इसमें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच डाल देंगे भरकर रिफाइंड ऑयल, जो भी आप खाने में यूज करती हैं, मस्टर्ड ऑयल नहीं लें बस। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे इसको मैरिनेट के लिए। टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकती हैं, टाइम नहीं है तो इसको 1 से 2 घंटे में पका भी सकती हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कलर डाला है जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आए। तो हमने यहाँ पर इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया था फ्रीज में। तो ये बहुत अच्छे से तैयार है अब पकने के लिए। तो चलिए इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसा नाश्ता है जो आप इजीली बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और बच्चों को सुबह में दे भी सकते हैं, और सुबह में आप इसको ब्रेकफास्ट में खुद भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 ले लिया है पैन, इसमें हमने ऑयल डाला था तो इस वजह से इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें गैस ऑन करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाना है। जब ये अपना पानी छोड़ दे और इसमें जो बॉईल में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था उसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दिया है, और जब ये अपना चिकन पानी छोड़ दे दही, तो तब इसको थोड़ी मीडियम हाई फ्लेम पर पका लेना है। ये बहुत ईजिली बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा 10 मिनट में ही ये बनकर तैयार है। पानी भी इसमें खुश्क हो चुका है और ये बहुत ही जूसी, बहुत ही अच्छी स्टफिंग बनकर तैयार है। तो बस इसको रख देंगे अब हम ठंडा होने के लिए। आप खुद देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मसालेदार स्टफिंग बनकर तैयार है। ये आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रख देते हैं और यहाँ गूंद लेते हैं आटा। तो यहाँ पर हमने लिया है मैदा, आप चाहें तो इसमें आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून हमने नमक डाला है, 1 टेबल स्पून ही इसमें हम डाल देंगे पीसी हुई चीनी, और 1/2 टेबल स्पून इसमें डाला है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर डाला है हमने इसमें, और थोड़ी सी डाल देंगे इसमें दही, जिससे कि जो हम ये रैप बनाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हो। दही डालने से रैप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया है इसमें रिफाइंड ऑयल। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। इसमें हमने किसी भी मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं किया है, दही वही काम करेगी जो मिल्क पाउडर करता है। और तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 मीडियम साइज का कप दूध का, इसको डालकर इसको 1 डोबल लगा लेना है इसका। आप चाहें तो नॉर्मली जो रोटी बनाती हैं वो भी इसमें यूज कर सकती हैं, मगर ये रैप जो आप बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा 1 कप अच्छे से इसमें लग गया है, अच्छे से ये गूंद गया है। इसमें हमने कोई पानी नहीं लगाया है अभी, बस इस तरह से ही इसको गूंद लेंगे। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथ पर, जिससे कि ये हाथ पे चिपके नहीं। बस इसको रख देंगे
आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए, जिससे कि इसमें लचक हो जाए और ये बहुत ही नरम बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर हमने रख दिया है इसको। आधा घंटे बाद इसको देखते हैं और थोड़ा सा मैदा हाथों पर लगा लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बनकर नर डो बनकर तैयार है। बस ऐसा ही नर्म डो चाहिए था हमें। बस अब इसमें से हम पेड़े लेंगे। जिस साइज का भी आप रैप बनाना चाहते हैं या परांठा बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इसमें से पेड़ा ले लें। अगर ये हाथ पे चिपक रहा है तो थोड़ा सा मैदा लगा लें या फिर ऑयल भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजीली बन जाते हैं। बस इस तरह से ये सब पेड़े बना लेने हैं। तो इसमें एक प्लेट में रखते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। बस इस तरह से जब ये पेड़े बना लें तो इनको कवर करके अच्छे से रख दें, जिससे कि इसमें हवा नहीं लगे, और ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें। ये देख सकते हैं आप कितने नरम मुलायम ये सॉफ्ट पेड़े बनकर तैयार हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे और इनको एक पतली सी रोटी की तरह बेल लेंगे। बहुत पतली रोटी बेलनी है। पहले हाथ से इस तरह से दबा दें और फिर बेलन से इसको बहुत पतला बेल लें। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत पतला सा बेल लिया है। बस अब यहाँ पर तवा गरम कर लेंगे। ये हमने तवा गरम कर लिया है और बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना है। उस पे ये डाल देंगे। इसको सेकना नहीं है, बस दोनों तरफ से जब थोड़े से इस पे निशान आ जाए और ये दोनों तरफ से हल्का सा पक जाए, बस इसको बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से इसको उलट पलट कर पका लेना है। ये बहुत ही नरम बनकर तैयार होते हैं। ये देखिएगा, थोड़े से इस पे निशान आ गए हैं। बस इतना ही हमें इसको पकाना है। तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे रैप बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ट्रांसपेरेंट बनकर ये तैयार है और कितना पतला। तो यहाँ पर हमने सब रैप बना लिए हैं। आपको दिखाती हूँ कि ये कितने मुलायम और कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हैं। आप इसको इस तरह से करके देख लें। तो चलिए अब इनके इसका बनाते हैं नाश्ता, टेस्टी नाश्ता। तो यहाँ पर हमने कुछ वेजिटेबल ली हैं, जो बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और प्याज है। इस तरह से इनको काट लेनी है। तो इसमें हमने कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया है जो नुकसान दे। तो यहाँ पर सब ये हेल्थी नाश्ता बनकर तैयार होता है। और यहाँ पर हमने ले लेनी है मायोनीज। ये सॉस बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो नॉर्मली चटनी का भी यूज़ कर सकती हैं, मगर यहाँ पर हमने मायोनीज ली है। और ये यहाँ पर ले लेंगे केचप और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे चिली सॉस। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। ये सॉस आप इस रैप पर लगाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक ले लिया है रैप। आप चाहें इसकी जगह नॉर्मली रोटी भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको पहले चार फोल्ड कर लें, जिससे ये जब आप इसमें निशान लगाएं तो बहुत ही इजीली लग जाएं। तो यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा कटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बस एक तरफ से काट लेना है, इतना ही काटना है। और इस पे अब लगा देंगे ये जो हमने सॉस बनाकर तैयार की है, इस पे अच्छे से चारों तरफ ये लगा देंगे, जिससे कि सॉस का टेस्ट चारों तरफ आए। तो यहाँ पर पहले हम रख देंगे ये स्टफिंग, जो हमने चिकन की स्टफिंग बनाकर तैयार की है। दूसरी तरफ रख देंगे ये प्याज
और तीसरी साइड पर शिमला मिर्च रख देंगे। और ये जो चौथी साइड है हम इस पर डाल देंगे ये बंद गोभी। तो ये जितना इजी है उतना ही कहीं ज़्यादा टेस्टी बनकर नाश्ता तैयार होता है। बस अब इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने मोज़रेला चीज़ भी डाल दी है, आप चाहें तो जो आपके पास चीज़ हो उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से दबाते हुए एक तरफ से इसको उठाएंगे, इस तरह से दोनों हाथों से इसको पकड़ के इस तरह से एक के ऊपर एक रख देंगे और थोड़ा सा इसको दबा लेंगे। फिर ये तीसरे पर रख देना है, बस इसको दबाते हुए इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है, दोनों हाथों से ही करें। तो यहाँ पर ये बनकर तैयार है। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना टेस्टी, कितना अभी इतना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से सारे ये रैप बनाकर तैयार कर लेंगे या टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे, या आप चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं। पहले पर पूरा सॉस लगा लें, शिमला मिर्च रख लें, फिर प्याज रख दें और फिर यहाँ पर रख देंगे हम ये चिकन की स्टफिंग। आप चाहें किसी तरह से भी इसको रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप इस चिकन को तोड़कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टफिंग बहुत अच्छी बनती है, आप इसको पिज़्ज़ा बर्गर किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मोज़रेला चीज़ भी रख दिया है और एक साइड पर इसको रख देंगे बंद गोभी को। बस इस तरह से ही इसको भी एक तरफ से उठाते हुए दबाते हुए फोल्ड करते चले जाएंगे। इससे ना तो कोई सब्ज़ी बाहर निकलेगी और ना ही ये स्टफिंग। बस यहाँ पर इसको हम फोल्ड कर देंगे ऐसे। बस यहाँ पर ये बनकर तैयार है। तो यहाँ हमने ये सब बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो एयरटाइट डब्बे में इसको बंद करके रख सकते हैं 5 से 6 दिन, और 8 दिन आराम से इसको 8 दिन भी रखा जा सकता है। तो चलिए अब इसको सेक कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने तवा ले लिया है, इस पे डाल देंगे थोड़ा सा बटर। इसमें बटर आप देसी घी का भी यूज़ कर सकती हैं। बस इस तरह से इसको घुमाते हुए इसको रख देंगे जिससे कि इसके पूरे साइड में बटर लग जाए। मीडियम लो फ्लेम पर इनको सेकना है। और जब देखिए थोड़ा ये कड़क हो गए हैं, तो इनको दूसरी साइड से पलट दें और थोड़ी सी मीडियम हाई फ्लेम पर इनको सेक लें। तो ऊपर लगा देंगे इनके बटर, जिससे कि अब इसको पलटें तो इधर से भी बहुत अच्छे से ये सिक जाए। ये नाश्ता आप रात को बनाकर तैयार करके रख सकते हैं, बस सुबह को आप सेक कर ये टिफिन में भी दे सकते हैं या फिर आप ब्रेकफास्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। छोटे बड़े सब इसको बहुत ही पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको याद दिला दें, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस तरह से इसको किसी भी चीज़ से चिमटे से पकड़कर इस तरह से इसकी साइडें सेक लेनी है, बस बहुत हल्के हल्के, और ये बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी नाश्ता या टॉर्टिला रैप। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये इतना टेस्टी होता है, छोटे से बड़े सब इसको बहुत ही एंजॉय के साथ खाते हैं। तो आप खुद देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं थोड़ी सी केचप और मायोनीज, आप चाहें किसी भी चटनी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बनकर तैयार है बहुत ही हेल्थी, बहुत ही टेस्टी, सबका मनपसंद नाश्ता। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही हेल्थी, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाकर हमने आपको ये रेसिपी दी है। अल्लाह हाफिज़।